हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आगरा ले चलते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ये आप चल रहे हैं आगरा, आगरा, आगरा ताज नगरी, आगरा ताज नगरी। आगरा में आपको हम पैदल ही चल के आसपास का विवरण दिलाएंगे। ताजमहल समरूप रचना के आधार पर बनी एक सटीक इमारत है। इसमें द्विपक्षीय समरूपता के साथ केंद्रीय अंश की मुख्य विशेषता है। निर्माण सामग्री में चूना, पत्थर से बनी ईंटें, जिसमें संगमरमर तथा लाल पत्थर भी मिला हुआ है। इसके ऊपर अल्प कीमती और कीमती पत्थरों से नक्काशी की हुई है। ताजमहल 1 सितंबर 1593 से 17 जून 1631 पर्शिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। 1631 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल को भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतः देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढक कर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत कुंभर और टाइल्स आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तुश्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय है। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतः सममितीय। इसका निर्माण 1648 के लगभग पूर्व हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रातः इसका प्रधान रूपांकन करता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ अक्टूबर, नवंबर, फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित है। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चलित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। खास पुरास को पुनः स्थापित कर नवीन पर्यटक सूचना केंद्र की तरह प्रयोग किया जाएगा। ताजमहल के दक्षिण में स्थित एक छोटी बस्ती को ताजगंज कहते हैं। पहले इसे मुमताजगंज भी कहा जाता था। यह पहले कारवा सराय और दैनिक आवश्यकताओं हेतु बसाया गया था।
प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। यह 7 आश्चर्य की सूची में भी आता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पाया जाता है। यह स्थान विश्वव्यापी मतदान से हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले। सुरक्षा कारणों से केवल 5 वस्तुएं पारदर्शी बोतलों में पानी, छोटे वीडियो कैमरा, स्थिर कैमरा, मोबाइल फोन, छोटे महिला बटवे ताजमहल ले जाने की अनुमति है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वाधिक परिष्कृत एवं उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका उद्गम भारत के बड़े भूभाग पर शासन करने वाले मुगल साम्राज्य की इस्लामिक संस्कृति एवं इतिहास की बदलती परिस्थिति पर आधारित है। यह विचलित मुगल बादशाह शाहजहां के एक मकबरा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में उसके मरणोपरांत बनवाया था। आज यह एक सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रशंसित और पहचानी जाने वाली इमारत बन चुका है, जहां इसका श्रेष्ठ संगमरमर गुंबद वाला भाग इस इमारत का मुख्य भाग है। वहीं इसकी पूर्ण इमारत समूह बाग बगीचों सहित 22.44 हेक्टेयर में स्तर फैला हुआ है। इसमें सम्मिलित है अन्य गोल मकबरे, जल आपूर्ति और संरचना, ताजगंज की छोटी बस्ती, साथ ही नदी के उत्तरी छोर पर मेहताब बाग भी इसके विभिन्न अंग है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी यमुना नदी के किनारे दक्षिण किनारे पर भारत के अग्रबाण अब आगरा नगर में आरंभ हुआ। 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इसके आकार की अभिकल्पना मुमताज महल के स्वर्ग में आवास की पार्थिव नकल और बादशाह के प्रचार उपकरण के रूप में की गई थी। असल में ताजमहल को किसने अभिकल्पित किया, इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। हालांकि यह सिद्ध है कि एक बड़े वास्तुकारों और निर्माण विशेषज्ञों के समूह समेत बादशाह स्वयं भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल था। उस्ताद अहमद लाहौरी को एक प्रधान वास्तुकार के रूप में इसके श्रेय का सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति माना जाता है। हम लगभग अब आगरा गेट के पास पहुंचने वाले हैं, ताजमहल के पास बैठने वाले हैं। अब पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग आरंभ की गई है, जिससे टिकट काउंटर पर भीड़ भी नहीं होती है। यह वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक देखें और हमें प्रोत्साहित करें। यह आप देख रहे हैं ताजमहल से, ताजमहल के आगे बनी हुई विभिन्न तरह की दुकानें, जिसमें कपड़े, वास्तुकला की चीज़ें, अन्य इत्यादि सामग्री आपको दिखेगी। अब हम पहुंच गए ताजमहल के अंदर। यह आप देख रहे हैं ताजमहल विश्व धरोहर ताजमहल। ताजमहल में 4 गेट है। यह आप देख रहे हैं ताजमहल। सात अजूबों में एक ताजमहल, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल।
कितना प्यारा गार्डन है, ताजमहल, संगमरमर पर निर्मित ताजमहल। आ गया, आ जाओ, आ गया, आ जाओ, आ गया, 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 आ गया